आपने अभी तक अलग अलग स्थानों के कई रहस्यमयी बातें और कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज के समय में तेजी से बढ़ रहे टेक्नोलॉजी के बीच किसी भी चमत्कार पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम बिहार में स्थित एक ऐसे ही जगह पर ले जाएंगे जो रहस्यमयी भी है और वर्षों से पर्यटकों के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। बिहारी विहार के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे राजधानी पटना से 131 किलोमीटर दूर औरंगाबाद स्थित उमगा मंदिर के। यह वो मंदिर है जिसका प्रवेश द्वार रातों रात पूर्व की दिशा से पश्चिम हो गई थी। क्यों और कैसे, ये हम आगे जानेंगे। ऊंचे पहाड़ और बड़े बड़े चट्टानों के बीच चौकोर आकार के ग्रेनाइट ब्लॉक से निर्मित यह मंदिर की भव्यता देखते बनती है। मंदिर के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे चट्टानों के बीच उगी हरी हरी छोटी छोटी झाड़ियाँ, पास में स्थित तालाब, जिसे ऊंचे पहाड़ों से देखा जाए तो आँखों को सुकून मिलता है। अगर आप भी एडवेंचरस हैं, पहाड़ों पर चढ़ना, प्रकृति से मिलना और बड़े बड़े चट्टानों से गुजरना पसंद है, साथ ही अगर आप धर्म अध्यात्म से जुड़े तथ्य, रहस्य भरी कथाओं को पास से जानने, सुनने और समझने के शौकीन हैं, तो यहाँ आपको इन सभी चीज़ों का समामेलन देखने को मिलेगा। इस मंदिर की रहस्यमय गाथा से पहले हम आपको इस मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के मनोरम दृश्य के बारे में विस्तार से बताना चाहेंगे और यहाँ क्यों जाना चाहिए वो तो हमने आपको अभी अभी बताया। उमगा मंदिर औरंगाबाद के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। औरंगाबाद शहर के पूर्व में 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तीर्थ केंद्र में यह एक वैष्णव मंदिर है। अपनी वास्तुकला के संदर्भ में यह देव नामक जगह में निर्मित सूर्य मंदिर के समान है। इस भव्य वैष्णव मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि यह त्रेता युगीन है, जिसके निर्माण में चौकोर आकार की ग्रेनाइट ब्लॉक का उपयोग किया गया है, जहां भगवान गणेश, सूर्य देव और भगवान शिव का वास है। उमगा में कुल 52 देवी देवताओं के मंदिर थे, हालांकि अब नहीं रहे, बहुत सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। उमगा नाम माँ उमगेश्वरी के नाम पर पड़ा है, जो उमगा सूर्य मंदिर से कुछ दूर पहाड़ों पर ही स्थित हैं। एक समय में उमगा को मंदिरों का फैक्ट्री कहा जाता था, क्योंकि यहाँ के पत्थरों से बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है। उमगा देव सूर्य मंदिर का निर्माण भी यहीं के पत्थरों से हुआ है। उमगा रहस्य से भरा स्थल है। कहा जाता है कि यहाँ स्थित कुंड में भरा जल कभी नहीं सूखता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण खुद विश्वकर्मा भगवान ने किया था। यह देश भर में एक इकलौता स्थान है जहाँ 52 मंदिर स्थित है, हालांकि अब शायद 20 से 23 ही शेष बचे हैं। इस मंदिर के पीछे की एक बड़ी रहस्यमय बात यह है कि कहा जाता है कि इस मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व की दिशा से पश्चिम की दिशा में परिवर्तित हो गया था। औरंगाबाद में देव नामक जगह पर स्थित इस मंदिर को देव सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण त्रेता युग और द्वापर युग के मध्य हुआ था। कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब भारतीय मंदिरों को तोड़ता हुआ औरंगाबाद के देव पहुंचा। वो यहाँ के सूर्य मंदिर पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी मंदिर के पुजारियों ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने औरंगजेब से अनुरोध किया कि वो इस मंदिर को ना तोड़े, लेकिन औरंगजेब किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। लेकिन पुजारियों और वहाँ के लोगों के बार बार विनती करने पर औरंगजेब ने लोगों की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि यदि सच में तुम्हारे भगवान है, अगर सच में यहाँ पर कोई शक्ति है, तो उस शक्ति से कहो कि इस मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ हो जाए। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि औरंगजेब मंदिर के पुजारियों को मंदिर के मुख्य द्वार बदलने की बात कहकर उन्हें अगली सुबह तक का वक्त दिया। इधर पुजारी काफी परेशान और दुखी थे और रात भर सूर्य देव से प्रार्थना करते रहे कि वो उनकी वचन की लाज रख ले, नहीं तो औरंगजेब ये मंदिर तोड़ देगा। रात बीती, जब मंदिर के पुजारी पूजा करने मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर हो गया है। ये देखकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा और कहा जाता है कि यह देख औरंगजेब ने यह मंदिर नहीं तोड़ा और चुपचाप वहां से चला गया। उमगा मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। अगर बिहार में किसी ट्रिप का प्लान बनाते हैं तो आप उमगा मंदिर औरंगाबाद जरूर जाएं। धन्यवाद।